أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير वाहसन तवीला मोहतरम नादरीन वसामिन असलमकम वरह लिबरकू फ़राइज इस सीरीज़ में आप तमाम का तहदिल से इस्तबाल करते हैं पिछले दरूस में चंद अहम हकूक़ का जिक्र हमने किया था आज का जो हमारा मौजू है अमीर की इतात अमीर के हकूक़ के सिलसिले में कुछ अहम बातें और उससे पहले हकूक़ जिक्र करने से पहले चंद अहम बातें इस सिलसिले में मैं आपके सामने ज़िक्र करूंगा अमीर की इतात जो हाकिम हो मुसलमानों पर उसकी इतात उसकी फर्माबरदारी ये लाजिम है और ईमान का एक अहम हिस्सा है और ये दीनी ईमानी जो है फरीदा हैं जो अल्लाह उसके रसूल हासिल में हम पर आयद किया है और इज्तमीत को बरकरार रखने के लिए इस बात का हुक्म दिया गया कि हम में से कोई एक अमीर बने मुसलमानों में से कोई अमीर बने और उसके बहुत सारे सिफात बताए गए जो कुरान हदीस का जानने वाला हो उसका आकीदा मनहस सही हो अल्लाह उसके रसूल की इतात और फरमा बरदारी के मुताबिक वो चलने वाला हो हर एक के हक़ूक अदा करने वाला और बहुत सारे हों उसके जो सिफात बताए गए इन शगले दुरूस में उसकी तफस वजाहत आएगी तो बहरहाल अमीर की इत एक अहम फरीदा हैं और ये वाजिब है मुसलमानों को मुसलमानों पर ज़रूरी हैं वाजिब करार दिया गया कि वो अमीर की हर हालत में इत करें फरमाबरदारी करें अभी जो आयत करीमा मैंने पढ़ी सुर निसा की आयत नंबर फिफ्टी नाइन अल्लाह ताली ने इस बात का हुक्म दिया तमाम मोमिनों को या लदीना अमन आती आति रसूल व उम्रमिन खुम अरे वो लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह की इतात करो और रसूल सल्ला वसलम की इतात करो और जो तुम में साहिब हुक्म हैं अमीर हैं हाकिम हैं उनकी इतात करो आगे अल्लाह ताला ने फरमाया इनकन तुम तो तुम मिन नबिल्लुमिल आख़िर अगर तुम अल्लाह पर आखिरत पर ईमान रखते हो उससे पहले अल्लाह ने इशारा किया फ़ा इन तनाज़ा तुम फ़ीश इन अगर किसी चीज़ में तुम्हारे दरमियान नज़ा हो जाए इख्तलाफ़ हो जाए उसको अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटा दो अगर तुम अल्लाह पर आखिरत पर ईमान रखते हो होली का ख़ैर उनके बेहतर हैं और अनजाम के अतबार से बहुत अच्छा है तो इस आयत करीमामा सेम ये दलील ली कि अमीर की इतात वाजिब है ज़रूरी हैं और अल्लाह उसके रसूल की इतात ये मुस्तिल हैं और अमीर की कीतात जो है अल्लाह उसके रसूल के तबें तो यहाँ पर दो बातें ामा ने बताई हैं अम्र उम्र समरातमा हैं और साहिब इख्तदार हाकिम उमराम इस तरह के जो लोग सरपरस्त होते हैं मुसलमानों की तरफ से नियाबत करते हैं हमारा वो भी मुराद हैं इसी तरह उलमा भी इसमें शामिल हैं जैसा कि इब्ने कसीर रहमतुल्लाह लाई ने और दीगर मुफसरीन ने इस बात का ज़िक्र किया है असल में देखिए इताअत अल्लाह की है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जो अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा उसने अल्लाह की इताअत इताअत की इस मफोम को अल्लाह ताला ने कई जगह अल्लाह ने वाज़ फ़रमाया मैती मैती रसूल फ़खदाता अल्लाह में अल्लाह ने कहा जो रसूल की इतात करे उसने अल्लाह की इतात की तो अल्ला उसके रसूल की इतात ये मुस्तकिल हैं और जो उम्र हैं हाकिम हैं अमीर हैं उनकी इतात जो हैं ताबे हैं अल्लाह उसके रसूल की इतात के तो इससे पता चला कि जब तक अमीर अल्लाह उसके रसूल सल्लासम के हकुम को नाफिस करने के लिए मुसलमानों को हकम देगा तो तमाम पर ज़रूरी हैं कि वो लोग उसकी इतात करें फरमाबरदारी करें क्योंकि इत जो है फर्मा कब करना है जब जायज़ चीज़ों का हुक्म दे तखलूक़नफीमा सैदलिख अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ अगर आमिर जाता है चलता है हुक्म देता है तो उसकी इतात नहीं की जाएगी हाँ कुरान हदीस के मुताबिक वो कहता है तो वहाँ उसकी इताज़ ज़रूरी है और इसी तरह अहादीस में अल्लाह के नबी सल्लाम ने बहुत सारे अहादीस अल्लाह के नबी साबित हैं जिससे ये बात वाज होती है कि मुसलमानों पर ज़रूरी हैं कि वो अमीर के मातहती में ज़िंदगी गुजारें और उसके हुक्म को माने और उसकी इत करें है ज़रूरी हैं एक रिवायत जो अबू हरे रद्ल तु से मरवी हैं प्यारे नबी वसल्लम ने फरमाया ऐसा ही मुस्लिम की रिवायत है मनख़रा जमीनतातीफ़ा रखल जमा फ़मा तमीत तलजहियाल्ला के नबी सा ने कहा जल्ला उसके रसूल की इता से निकल जाए और जमात को छोड़ दे, जमात से आलिदगी इख्तियार करें वो जाहिलियत की मौत मरेगा यानी वो मुसलमान नहीं है, वो इस्लामी तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान नहीं जो अल्लाह उसके रसूल की अताश से निकल जाए और अमीर की अताश से निकल जाए जमात इज्तमीत को छोड़ दें और मनशाह ज़िंदगी उतारें तो उसकी मौत जो है इस्लाम पर नहीं होगी वह जाहलीत के तरीके पर होगा कि लोग जाहलीत में अपनी मन चाहे ज़िंदगी उजारते थे अल्लाह उसके रसूल और आप सासन के आने से पहले जिन अम्बिया की पैरवी लाजिम थी उन तमाम चीज़ों को छोड़कर रसूलों के तरीक़ों को छोड़ कर ज़िंदगी उजार रहे थे मनशाही ज़िंदगी उन्होंने गुजारी और इस्लाम पर उनको मौत नहीं है जाहिलियत तो उसी की तरह अल्लाह के नबी सान ने इशारा किया कि अगर कोई ऐसा करता है इज्तमीत को छोड़ता है अमीर की तात से हट जाता है जो ताबे हैं अल्लाह उसके रसूल की तात की तो उस, उसको जो है मौत आएगी तो वो इस्लाम पर नहीं आएगी मुसलमानों के तौर तरीक़ों को छोड़ना जो लाजिम है ज़रूरी हैं तो ये बहुत ही जो है सख्त वईद है इस हदीस में इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और बहुत सारी रिवायतें मरवी हैं अमीर की इताद के सिलसिले में अल्लाह के नबी सास ने भी फरमाया मयूथी अमीर फ़खत आता आनी और शुरू के अल्फाजे हैं जिसने मेरी इतात की उसने अल्लाह की इतात की और जिसने मेरी नाफ़रमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की फिर आगे अल्लाह के नबी सासुन ने फरमाया जिसने अमीर की इतात की उसने गोया मेरी इतात की और जिसने अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की तो गोया अमीर के नाफरमानी करना अल्लाह के नबी सल्हुसम की नाफरमानी करना है और अल्लाह के नबी सा के हुक्म को छोड़ना सख्त जो है इस सिलसिले में सख्त वाहरें आई हैं और बहुत बड़ा जुर्म है और बहुत बड़ा गुनाह है अल्लाह के नबी सा के की ख़िलाफ़ वर्जी करना इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में बहुत सारी अदादी का आपने ज़िक्र किया एक हदीस जिसमें अल्लाह के नबी सा ने फरमाया अगर तुम पर ऐसा शख्स जो है अमीर मुकर किया जाए जिसका कान कटा हो या नाक कटा हो तो अल्लाह के नबी सा ने कहा कि अगर वो अल्लाह की किताब के मुताबिक जो है तुम्हारी क़ियादत कर रहा है हुकूमत कर रहा है और अल्लाह के किताब कुरान मजीद के मुताबिक हुक्म दे रहा है तो अल्लाह के नबी सा आसन ने कहा कि तुम जो है उसकी इताअत करो फरमाबरदारी करो उसकी बात को सुनो इसी तरह अनस रज़ी अल्लाह तआला तार से जो रिवायत मरवी है सही बुखारी में प्यारे नबी सासन ने फरमाया सुनो और इताअत करो अगर से कि तुम पर ऐसे शख्स को जो है अमीर मुकरर किया जाए कि जो ग़ुलाम हो ग़ुलाम अल्लाह के नबी सासम ने कहा कि उसकी सिफत भी अल्लाह के नबी सास ने बताई कि उसका जो है उसका सर मुन जैसा हो यानी कितना देखने में बदसूरत हो बदशक्ल हो ग़ुलाम की तरह ही क्यों ना हो लेकिन जब तक वो किताबुल्लाह किताब और प्यारे नबी वसम की सुन्नत के मुताबिक फ़ैसला करता है हुक्म देता है तो उसकी इताअत और फरमाबरदारी जो है हम पर ज़रूरी है लाजिम है इसी तरह देखिए हती कि अल्लाह के नबी सा ने इस चीज़ की अहमियत को वाजे करते हुए फरमाया अबू सैद खुदरी रऊदी अल्लाह तु से जो रिवायत मरवी हैं अल्लाह के नबी सा ने सफ़र में भी अगर कोई तीन आदमी सफ़र पर निकलते हैं प्यारे नबी सासन ने खूसी तौर से इस बात की ताक़द की और कहा इजाकाना सलासतनफी सफ़रन वाली अमर वहद हम अल्लाह के नबी सा ने कहा अगर कोई तीन सफ़र पर निकलें तो किसी एक को अमीर बनाएँ ऐसे बहुत सारे मामल हैं जहाँ अमीर की इतात और अमीर मुकर करने पर ज़ोर दिया गया अमीर का होना ज़रूरी है और उसकी इतात व फरमावरदारी बरदारी लाजिम है उसके हुक्म को नाफिस किया जाएगा जैसा मैंने कहा कि ख़ास तौर से जब तक वो किताबुल्ला और सुनत रसूल सासम के मुताबिक फ़ैसला करता है हुक्म देता है तो उसकी इतात की जाएगी इसी तरह अबू उमामा बाहली रत अल्लाह तौन से जो मरवी रिवायत हैं हजतुल के मौके पर अल्लाह के नबी सा ने जो खुद खसूश खिताब फ़रमाया था मिना के मैदान में अल्लाह के नबी आसलम ने अरफा के मैदान में भी आपने खिताब किया मिना के मैदान में भी आप सा ने खिताब किया तो उन नसीहतों में से ख़ास नसीहत जो है पूरी उम्मत को अल्लाह के नबी सा आसमियात तक आने वाले लोगों को यह नसीहत फरमाई हुकुम दिया अबोरबुम वसलमसकम हसुम उशाह वक्वात अमौली कम आगे आपने कहा वह आती उदा अमरीकुम तद ख़ुलजन्नत रब ए लोगों अपने रब की इबादत करो पंच वक्त नमाजों की पाबंदी और कहाँ रमज़ान के रोज़े रखो ज़क़़ात अदा करो और आगे कहाँ जो तुम में से साहिब इकतदार हैं हाकिम हैं उनकी इताद करो तो तुम्हारे रब की जन्नत में जो है दाखिल हो जाओगे तो यहाँ खसूसी तौर से अल्लाह के नबी सा बहुत सारे फ़राज़ और बुनियादी अहकाम का जिक्र करके आसलम ने आमिर की इत पर ज़ोर दिया और उसका खसूसी जो है जिक्र अल्लाह के नबी सा ने फरमाया तो इससे पता चलता है कि इस्लाम में अमीर की इतहात का क्या मक़ाम है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है इस सिलसिले में और बहुत सारी जो है रिवायतें मरवी हैं अल्लाह के नबी वसल्लम से सही मुस्लिम में किताबल इमारा में जो है इमाम मुस्लिम रहा अलैहि ने मुख्तलिफरू से जो है बहुत सारी अहदीत को नकल किया है तो इन्हीं बातों पर मैं इतफ़ा करता हूँ अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम को सही मानों में जो भी बातें हमने सुनी हैं समझने की अल्लाह तोफ़ी तरमाएँ इज्मायत को बरकरार रखने के सिलसिले में जो भी ताक़ीद अहकाम आए हैं अल्लाह ताला हम तमाम को उस पर अमल की शादत नसीब फरमाएँ पूरी उम्मत को एक प्लाटफ़ार्म पर जमा होने और अमीर की इत और फरमा बर्दारी करने की शादत अल्लाह नसीब फरमायें इस सिलसिले में इज्तिमाहीफरादी जो भी कोताहियाँ सुस्ती हो रही अल्ला हम से दर उदर का मामला फरमाएँ अल्ला जब तक दुनिया में जिंदा रखें हालत ईमान पर जिंदा रखें खातिमा हों तो ईमान की हालत में हो اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته